फिर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस का रूप चेंज करना, अर्थ वही रह जाता है उसके तरीके बदलना। इसमें आप लोगों के पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। आज के लिए बहुत होने लगा होगा, आपने देखा होगा ग्रेड थर्ड का एग्जाम इनडायरेक्ट स्पीच देता है, क्या बनवाता है आपसे, वो डायरेक्ट बनवाता है, पैसिव दे करके एक्टिव, क्योंकि बहुत बोर हो चुके इतने साल, 2000 ये मान लीजिए 10 से पेपर आ रहे हैं, आरपीएससी पेपर बना रही है, तो सेम है एक्टिव और सेंटेंस देकर के पैसिव पूछता है, तो थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, पैसिव देकर के एक्टिव, इनडायरेक्ट देकर के डायरेक्ट, इसलिए दोनों वाइस वर्सा होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट से आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है। फिर एक होता है एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, ठीक है ना। और एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव को एफर्मेटिव बनाना, एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से एफर्मेटिव बनाना, एक टॉपिक ये है। और एक है सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के, ठीक है ना सारे। और इसमें से टोटल लगभग लगभग आपके 5 क्वेश्चंस थे स्कूल लेक्चर में।